तो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और गाइज आप पीछे बैक देख सकते हो, बैक की दिशा बदल गई है। पहले इसका जो हेड है वो इस साइड था, अब इस साइड हो गया है। तो दिशा बदल जाती है गाइज हमारे, जब भी बैड की सफाई होती है तो दिशा बदल देती है मम्मी। और तो गाइज मैं ये कह रहा था, आज सुबह सुबह गाइज खाने बने हैं बर्मी के लिए बोलते हैं इसे तो। और यहाँ पे गाइज पंखू की रात में तबीयत खराब हो गई थी, जो कि अब ठीक है। पंखू बताओ ठीक है? हाँ, नक्शू की तो कुछ खराब होता ही नहीं है। तुम्हें थोड़ा शूट करना है, करवा दोगे ना? तुम करा के नक्शू, मना कर रही थी रात में चिड़चिड़ी बन। इसे गाइस वीडियो शूट करना पसंद नहीं है मेरे चैनल का, नहीं पसंद बताना। नहीं ये पसंद है ना? पसंद है तो करवाओगी, बदतमीजी करोगी? चल देखते हैं वो तो। चलो गाइस दिखेगा वो तो। आप चलो गाइस अब खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं। करंट है वहाँ? नहीं उसमें नहीं। तो अभी गाइस देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे घर पे लाइटिंग लगा रहे हैं। आधी हमने रात में उधर लगाई थी और अब इधर लगा रहे हैं। इधर और उधर हमने पूरे में कवर कर लिया, तो दिखा दो ऐसे करके। हाँ तो वो मैं दिखाई दी, वैसे क्लिप डाल दूंगा। चलो दूंगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे भी लगा रहे हैं मौत से खेल के। सो गाइस अभी देखो अभी हो चुकी है शाम और भाई बाहर लगा दी है बत्ती। देखो गाइस देख लो यहाँ पे हमने कुछ ऐसी लाइट लगाई हैं, जो कि गाइस बहुत मेहनत से लगाई हैं। आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, मस्त लग रही है ना। चलो बाहर भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस यहाँ से यहाँ तक एंड फिर यहाँ से यहाँ तक, और अब बाहर चलते हैं गाइस। यहाँ से आपको जो व्यू देखोगे वो देखा दूसरे को घर का होगा, दूसरा ना काफ़ी अच्छा सजाया है। ये देखो अम्मा ने लगा रखी है ऊपर, वो तो बाद में कल देखेंगे। चलो गाइस देख लो भाई ऐसा व्यू आ रहा है अभी तो, मस्त लग रहा है। चलो और गाइस अभी मैं मम्मी के संग कुछ बाहर पूजा वगैरह का सामान लेने जा रहा हूँ। दिवाली की जो पूजा होगी ना तो वो सब लाना है, तो चलो गाइस लेने चलते हैं, लेके आते हैं। सो गाइस खाने का सामान कहाँ? कौन सा सामान? खाने पीने का सामान लिया था इनका, बिस्कुट बिस्कुट कहाँ है? बाहर देखो बाहर। उसमें रखा हुआ? नहीं उसमें नहीं निकला, उसमें तो मोमबत्ती निकली। कहाँ है? हाँ है ऊपर जो जाता गाइस बनना। हाँ तो गाइस मैं ये कह रहा था मम्मी और मैं सामान ले आए, तो बस ये भिंडी तोरी वगैरह है देख लो भाई, और थोड़े कपड़े वगैरह हैं देखो नट्टे मम्मी को खाने के लिए। ये लाए ना खीर, केक लिया है मैं, केक वाला वेजिटेरियन केक था वो। ये लक्ष्मी गणेश है। हाँ गाइस आज अपन ने गाइस पहली बार पी ली ब्लू स्टिंग, तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी भाई। नहीं अच्छी होती है, नहीं ठंडी पियो तो अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है। एनर्जी गाइस इससे एनर्जी आ जाती है। नहीं अगर आप ये खाओगे ना मूली तो इससे बहुत एनर्जी आएगी, उससे ज्यादा ही आएगी। 15 रुपये में सब लोग खाएंगे। हाँ पूरा परिवार, तो तब भी मम्मी गाइस फ्रूटी पी के आई है। तो मुझे गर्मी लग रही थी, प्यास लग रही थी बहुत तेज है। चलो गाइस यहाँ पे मैं बिस्कुट खाऊंगा। चलो सस्ता वाला खा ले, तो सब रो मत लो। वो भी सब उतने का ही है, 5 रुपल्ली का है तो वो भी। तो वो महंगा खा लो, कोई मना कर रहा है क्या? सब आराम से। ये मेरी चल गई, ये ठीक है उनको रेडी। तो गाइस अभी आपने देखा होगा कि हम लोग पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, वो मेन चैनल के लिए था थोड़ा बहुत, तो मैं इसमें भी ब्लॉग में भी डाल दूंगा। बाकी तो कल गाइस दिवाली है, तो कल गाइस फुल मजा आएगा और मस्त फोड़ेंगे पटाखे अटाखे सिस्टम पाड़ देंगे। मिठाइयाँ भी गाइस खाएंगे, वो तो होता ही है, स्वीट्स एंड लाइट्स एंड क्रैकर्स, तीनों चीज जरूरी होती हैं। बाकी गाइस मैंने सुना है दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया, तो दिल्ली में पटाखे इस साल भी बैन है, नहीं फोड़ सकते, बट लोग तब भी फोड़ लेते हैं वहाँ पे, फोड़ते कोई नहीं रुकता। बट गाइस वहाँ पे अगर बैन है बहुत ज्यादा, वहाँ पे बता रहे हैं कि क्या होता है धुएं का लेवल बढ़ गया है, एक लेवल से भी ऊपर है, तो वहाँ पे सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में चीज मचती है,
तो वहाँ पे थोड़ा खतरनाक चल रहा है। तो दिल्ली से अगर आप रहते हो तो मत ही फोड़ो भाई, मत फोड़ो। भले आपके आप लोग ये सोचो मेरे फोड़ने से क्या नहीं होगा, बट मत फोड़ो, है ना, भगवान देखते हैं सब कुछ ना, तो मत फोड़ो। और दिल्ली में मत फोड़ो अभी, क्योंकि दिल्ली में गाइस वो चल रहा है, थोड़ा पॉल्यूशन का रेट बहुत ज़्यादा है। इधर आके फोड़ लो ना। ये भी कर सकते हो। तो बाकी तो गाइस यहाँ पे हमारे यहाँ तो बैन नहीं है, हमारे यहाँ फोड़ सकते हैं, और इको फ्रेंडली पटाखे हमारे यहाँ मिलते नहीं हैं, और जो मिलते हैं उनका प्राइस बहुत महंगा होता है। तो हम लोग पटाखे थोड़े बहुत ही फोड़ेंगे, जैसा कि अभी आपने देखा होगा फुलझड़ी और चरखी, बस इतने भी प्रकार काम चला लेते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं फोड़ते, बट इन लोगों के लिए अच्छा होता है, इनको अच्छा लगता है ना। मैंने आज तक रॉकेट नहीं चलाया, रॉकेट चलाने मुझे अच्छा लगता है। तो चलो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, अभी हम कुछ करेंगे ही नहीं। मम्मी गाइस खिचड़ी का बना रही है, खिचड़ी खाएंगे, और हमें सुबह कल जल्दी उठना है, तो मुझे दो चैनल की एडिटिंग करनी है, तो वो भी करूंगा। बाकी चलो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून, बाय।